How long do scars take to heal after hair transplant surgery? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, ALCS जयपुर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो स्कार्स होते हैं वो कैसे हील करते हैं और कितना टाइम वो लेते हैं हीलिंग के अंदर। स्कार्स एक्चुअली होते क्या हैं? स्कार्स हमारी बॉडी का एक जो हीलिंग मैकेनिज्म है, जो किसी भी चोट या किसी भी सर्जरी के बाद बॉडी के अंदर शुरू होता है और जो एरिया ऑफ इंजरी है उसे मिनिमाइज करता है और वो अल्टीमेटली स्कारिंग में, जिसे कहते हैं हीलिंग का एंड पॉइंट जो होता है वो स्कारिंग होता है। तो अब जैसे हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक तरह की सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक वो सर्जरी है जिसके अंदर की एक डोनर एरिया, जिसके अंदर की ग्राफ्ट्स हैं एक्स्ट्रा और सेफ जोन है, वहाँ से हेयर ग्राफ्ट्स को लेकर के और एक रिसिपिएंट एरिया जहाँ पे कि हेयर नहीं है वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। ये एक सर्जरी है जिसके अंदर की रिसिपिएंट एरिया और डोनर एरिया दोनों पे स्कार्स होते हैं। डोनर एरिया के स्कार्स की अगर हम बात करें तो स्कार जो है वो डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से हमने ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट किए हैं। अगर FUE टेक्निक से ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट हुए हैं तो डोनर एरिया के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सर्कुलर माइक्रोस्कोपिक स्कार्स होते हैं जो कि पूरे सेफ जोन के अंदर स्प्रेड हुए हुए होते हैं और उनके बीच में इतने बाल होते हैं कि यदि थोड़े से भी अगर बाल ग्रो कर जाएं 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर तो वो स्कार्स इनविजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें FUT टेक्निक की तो उसके अंदर एक लीनियर लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है जो सेफ जोन के अंदर होती है और उसके ऊपर और नीचे का जो एरिया होता है वो बिल्कुल ही स्कारलेस होता है क्योंकि वहाँ से ग्राफ्ट हार्वेस्ट नहीं किए गए हैं। और वो जो लीनियर जो लाइन होती है, स्कार होता है FUT का, उसको भी ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से जब बंद करते हैं तो उस स्कार में से भी बाल आ जाते हैं और उस स्कार की जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कार्स हैं वो एक तरह से किस तरह से हील करते हैं। देखिए, जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का वो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो तरह से होता है। एक होती है एक्सटर्नल हीलिंग, दूसरी होती है इंटरनल हीलिंग। एक्सटर्नल हीलिंग वो हीलिंग जो हमें सामने से स्किन पे विजिबल होती है या जो हमारा एरिया होता है सर्जरी का या चोट का वहाँ पे विजिबल होती है। ये यूजुअली एक शॉर्ट टर्म जिसे कहते हैं प्रोसेस होता है जो यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। और अगर बिल्कुल अच्छे से ये प्रोसेस चल रहा है हीलिंग का तो जो डोनर एरिया है, जो रिसिपिएंट एरिया है जहाँ पे कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो एरियाज ड्राई होते हैं, वहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, जो स्टिच लाइन होती है वो हेल्दी होती है और जो सूचर्स होते हैं वो 2 हफ्ते में करीब करीब निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। और जो एरिया है आपका स्कैल्प का वो करीब करीब पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर जाता है 2 हफ्ते के टाइम में। हाँ, कुछ केसेस में जिनमें कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है पेशेंट का, उन सिचुएशंस में थोड़ी सी रेडनेस एक ज़्यादा विजिबल होती है डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया पे, जो कि एक साइन होता है इंटरनल हीलिंग का, जो कि एक तरह से लंबा प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं इंटरनल हीलिंग की तो ये वो प्रोसेस है जिससे कि बॉडी उस एरिया को, सर्जरी वाले एरिया को पूरी तरह से फाइनली हील करती है। और ये प्रोसेस जो होता है ये 5 से 6 महीने चलता है। इस ड्यूरेशन में पेशेंट को किसी भी तरह से पता नहीं लगता है कि बॉडी में इस तरह की कुछ चीज़ चल रही है, बट ये ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहता है और जो एरिया होता है सर्जरी का, चाहे डोनर एरिया हो चाहे रिसिपिएंट एरिया हो, वो फाइनली 5 से 6 महीने में हील कर जाता है। हील करने का मतलब है कि वो जो स्कार है उसके अंदर करीब करीब पहले जैसी, बिल्कुल वैसी तो नहीं, करीब करीब वैसे जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है, स्किन पहले जैसी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और मोबाइल हो जाती है और जो स्कार है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक तरह की सर्जरी है और अगर सर्जरी है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो डेफिनेटली वो स्कारिंग भी छोड़ेंगे। अब उस स्कारिंग को मिनिमाइज कैसे किया जाए ये डेफिनेटली आपके एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो जानते हैं। जैसे कि रिसिपिएंट एरिया की अगर स्कारिंग है उसको मिनिमाइज करना है तो वो एक तरह से स्टराइल और फाइन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन में करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि वो स्किन को कट करने से ज़्यादा स्प्लिट करते हैं ताकि उसमें जब ग्राफ्ट डाला जाए तो वो अपने आप अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं और जो एरिया है स्लिटिंग का वो 15 दिन बाद ही इस तरह से लगता है कि जैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है।
उसी तरह से जब हम डोनर एरिया की बात करें कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं स्कारिंग, तो FUE के अंदर अच्छे पंचेस, फाइन पंचेस यूज़ करके जो एरिया है आपका प्रॉपर जो सेफ जोन है उसके अंदर से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके FUE के अंदर स्कारिंग कम की जा सकती है। और FUT के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक तो जब स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाए तो उस पर कम से कम टेंशन हो, नंबर वन, और नंबर टू उसे एज अ रूल ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से बंद किया जाए जिससे कि स्कार कम से कम हो और जो रेजिडुअल स्कार हो उसके अंदर से भी बाल आ जाए। इस वीडियो के बारे में या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपके उन क्वेश्चंस और क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।